नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विश्वविद्यालय से मेरिट लिस्ट जारी नहीं, सीएमडी कॉलेज में प्रवेश के लिए वसूली शुरू, लोकस्वर के स्टिंग से हुआ खुलासा। अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से चलाई गई पहली भारत गौरव ट्रेन, सफर में सुविधाओं से गदगद हुए श्रद्धालु। लोगों की अमानत सुरक्षित नहीं, रेलवे के पार्सल गोदाम में भरा पानी, सुरक्षा का नहीं किया इंतजाम। और जिले के हजारों किसानों का केसीसी बनाने चलाया जाएगा अभियान, परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी होने के पहले सीएमडी कॉलेज में सीटों की बिक्री की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर विद्यार्थियों से 1,000 रुपए की वसूली की जा रही है। लोकस्वर टीवी के द्वारा मामले का पर्दाफाश करने पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीएमडी कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। 18 जून से विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है और इसी के आधार पर महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। हम आपको बता दें, सीएमडी कॉलेज में छात्र छात्राओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1,000 रुपये की वसूली की जा रही है और यह वसूली उन्हें सीट की एश्योरिटी बता करके की जा रही है। हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब मेरिट सूची जारी करेगा उसके बाद ही महाविद्यालय में उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा जो मेरिट सूची में जिनका नाम होगा, लेकिन सीएमडी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्र छात्राओं से 1,000 रुपये लेकर उन्हें सीट देने का वादा किया जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा लोकस्वर दैनिक अखबार के द्वारा करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले में जांच बैठा दी है। कुलपति एडीएन वाजपेयी, ये स्पष्ट दिशा निर्देश है सभी महाविद्यालयों को कि मेरिट के बेसिस पे चयन होगा और मेरिट के आधार पर ही चयन होना है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन विश्वविद्यालय लेगा, ये स्पष्ट दिशा निर्देश है। और मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही एडमिशन देना है। एक मामला आपके संज्ञान में मैं डाल रहा हूँ सीएमडी कॉलेज का, उसमें भी स्पष्टीकरण भी विश्वविद्यालय ले रहा है। क्या बच्चों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस लिया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों से फीस तभी लिया जा सकता है जब बच्चा एडमिशन ले और उसका मेरिट में नाम है। अगर पहले कोई बच्चों से शुल्क ले रहा है या किसी प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहा है तो फिर ये जो भी महाविद्यालय ऐसा करेगा तो ये गलत कर रहा है और उसके विरुद्ध स्ट्रिक्ट एक्शन विश्वविद्यालय लेगा। पूरे मामले में महाविद्यालय प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध चौकसे कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स यूजीसी 2F से मान्यता प्राप्त है। सत्र 2023-24 के बीकॉम और बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम विगत वर्ष की तरह इस बार भी 100% रहा और सारे विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इसी तरह बीकॉम अंतिम वर्ष में अंशिका पांडे ने 78% के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर रही खुशी तिवारी ने 77.22% अंक अर्जित किया है। खुशी चंद्रा ने 74.88% के साथ तीसरा स्थान बनाया है। बीए अंतिम वर्ष की छात्रा अंजलि ने 76.33% लाकर पहला स्थान पाया है। वहीं महाविद्यालय की छात्रा सुहाना धीरज 74.72% के साथ दूसरे स्थान पर रही और अनंत पिपलवा ने 74.22% अंक लाकर तीसरा स्थान अर्जित किया। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आशीष जायसवाल और प्राचार्य डॉक्टर मंतोष कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी है। अंग्रेजी स्कूल के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, इसे लेकर चिंतित अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कमी दूर करने मांग की है। मामला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम तिफरा स्कूल का है। पालकों ने बताया, पिछले साल प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक की अंग्रेजी कक्षाओं के साथ इसकी शुरुआत की गई, तब भी बच्चों के बैठने और उन्हें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने शिक्षकों का अभाव था। अब नए सत्र में इसे बढ़ाकर माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। जो कमियां पहले से है उन्हें पूरा किए बिना ही 26 जून से नए सत्र में बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है। इससे प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की नींव मजबूत नहीं होगी, यह सोचकर चिंतित पालकों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। तिफरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल पिछले सत्र में 25 नवंबर को शुरू हुआ मिड सेशन में, उस समय बिल्कुल कोई टीचर वहाँ अपॉइंट नहीं थे,
काम चलाऊ, जो ट्रेनिंग वाले थे उनको अपॉइंट करके काम चलाया गया, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हुआ है। अब पूरा सत्र निकल गया और पूरा छुट्टियां निकल गई, अभी तक उसमें वहां टीचर अपॉइंट नहीं हुए हैं, कोई शिक्षक नहीं है वहां पर, बच्चे खाली बैठे रहते हैं, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हम कलेक्टर साहब से इसी मांग को लेकर आए हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र यहां शिक्षक अपॉइंट किए जाएँ। सर, परेशानियाँ तो बहुत हो रही है, पिछले साल ही अक्टूबर में इनका एडमिशन हुआ था, जो दिसंबर में सत्र चालू किया गया वो सेशन एंडिंग था, इसलिए हम लोगों ने भी उस समय ज़्यादा जोर नहीं दिया। पूछने पर सब टीचर्स यही कह रहे थे कि बुक अभी मिल जाएगी, आज या कल में मिल जाएगी बुक, पर पिछले साल भी बुक्स बिल्कुल भी नहीं मिली, बच्चों को एक भी बुक्स नहीं मिली और एक भी टीचर्स नहीं थे उस समय, जो बीएड के ट्रेनिंग टीचर थे वहाँ पे बस वही पढ़ा रहे थे। पर इस साल पूछने पर बताया गया कि वो वहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, वहाँ मतलब पर्टिकुलर जो आत्मानंद के टीचर होते हैं वहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, टीचर्स को बाहर से बुलाया गया था। एक या दो टीचर हैं, फिर भी सारे बच्चे को, सारे क्लास के बच्चे को एक साथ बैठाते हैं, वहाँ पे कोई सुविधाएँ नहीं है बच्चों का, और इस साल तो बिल्कुल जीरो है। और वहाँ के टीचर लोग भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे कि आप लोग अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दो, यहाँ कोई मतलब का नहीं है, ये वो ऐसा टाइप का। तो हमारे सारे पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर महोदय और शिक्षा मंत्री विभाग से वहाँ पे टीचर अवेलेबल कराने की महान कृपा करें। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने अपने वार्षिक परीक्षा परिणाम 30 जून से पहले जारी कर दिया। परीक्षा विभाग द्वारा स्नातक और पीजी के लगभग सभी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक तरुण धर दीवान ने बताया कि 10% रिजल्ट ही घोषित करने के लिए बचे हैं। जो रिजल्ट जारी किए हैं उनमें स्नातक अंतिम वर्ष के सभी परीक्षा परिणाम शामिल हैं, वहीं बीएड के परिणाम भी समय पर घोषित कर दिया है। जो ग्रेजुएशन है, जैसे बीएससी हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया और बीए हो गया, उसके अंतिम वर्ष के सभी रिजल्ट निकाल दिए, मतलब स्नातक के सभी वर्ष के रिजल्ट निकल चुके हैं और कुछ के तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के रिजल्ट निकल चुके हैं। और स्नातकोत्तर जो पीजी बोलते हैं हम लोग, पीजी में भी लगभग हम लोगों ने 95% रिजल्ट निकाल दिए हैं, दो ही रिजल्ट जो बचे हुए हैं वो भी आज एक दो दिन में निकल जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को शुभकामनाएँ भी मिली है प्रदेश में। अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन कराने भारत गौरव ट्रेन रायपुर से बुधवार को रवाना हुई। ट्रेन से अयोध्या जाने निकले राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ट्रेन के उसलापुर स्टेशन पहुंचते ही जय जय श्री राम के जय घोष से परिसर गूंज उठा। आम जनता को अयोध्या और काशी विश्वनाथ दर्शन कराने राज्य पर्यटन निगम ने IRCTC के मार्फत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। प्रदेश के चारों संभाग से यह दर्शन सुविधा दी जाएगी। बुधवार को रायपुर से यह ट्रेन रवाना की गई, जिसमें रायपुर संभाग के दर्शनार्थी ट्रेन में सवार थे। चुनाव समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने आम जनता के लिए यह सेवा शुरू किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निगम ने IRCTC के साथ अनुबंध किया है। 3 जुलाई को यह भारत गौरव ट्रेन 850 यात्रियों को अयोध्या लेकर काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन का इंतजाम किया गया है। दोपहर 4 बजे जब ट्रेन उसलापुर रेलवे स्टेशन पहुंची, लोकस्वर टीवी की टीम ने यात्रियों से बातचीत की। यात्रियों ने सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए दी जा रही सुविधा के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। हम ट्रेन के माध्यम से उस सरकार, राज्य सरकार जो हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सुविधा है, हर यात्री मतलब पूछा से कोई भी समस्या हुई तत्काल बताऊँ, हमारे पास डॉक्टर के सुविधा है, उपलब्ध है, तो खाना पानी कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है खाना पानी शासन के। अयोध्या यात्रा के लिए ये करें बहुत बहुत कल्याणकारी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर जनता हर चीज़ मिलत है, खाना पीना और जो यात्रा भी सुविधा है, हर आदमी पूछा थे हर चीज़ कराते, इकर से और बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सका है। ये सरकार की बहुत अच्छा योजना है, इसमें सभी लोगों को फायदा हो रहा है और इसमें भगवान के दर्शन करने को सभी को मिल रहा है। खाना वाना बढ़िया व्यवस्था है, चाय पानी नाश्ता खाना भी समय में मिल गया, सुबह भी नाश्ता मिल गया है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। ट्रेन जैसे ही उसलापुर स्टेशन पहुंची, इसकी सुरक्षा के लिए GRP और CRPF के जवान प्लेटफॉर्म पर तैनात नजर आए। उन्होंने भी यात्रियों का हालचाल जाना और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। विशेष गाड़ी रायपुर से अयोध्या दर्शन के लिए, रामलला दर्शन के लिए रवाना हो रहे, उसकी सुरक्षा हेतु आए हैं उसलापुर स्टेशन में। सुविधा सभी ठीक दिख रहे हैं, मैंने यात्रियों से भी बात की, सब खुश हैं, अच्छा है, काफी कम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अगले सप्ताह ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, इसमें संभाग के यात्री शामिल होंगे। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस ट्रेन में सफर करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज दिखाना होगा।
वहीं IRCTC सभी यात्रियों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी वहां कर रहा है, ताकि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा TV बिलासपुर। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने अपनी माता जी के साथ मिलकर कलेक्टर निवास परिसर में नीम का पौधा लगाया। उन्होंने सभी आम और खास लोगों से इस महाअभियान में हिस्सेदारी निभाते हुए अपनी माँ के नाम पर पौधा लगाने की अपील की है। कलेक्टर ने माँ के साथ मिलकर पौधा लगाया और इसे पानी से सींचा, साथ ही इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि एक पौधा माँ के नाम, और हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी जगह पे ये निर्देश भी दिया गया है और उनके द्वारा शुरुआत स्टेट में की गई है। तो आज मैंने भी एक पौधा अपनी माँ के साथ, सौभाग्य से मेरी माँ भी साथ में है, मेरे आई हुई हैं, तो उनके साथ मैंने एक पौधा लगाया है और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं, और अभी हमने ये भी कहा है कि हर पंचायत में इस प्रकार से इनिशिएटिव हो, उसमें CO जिला पंचायत को नोडल बनाया गया है। मुझे लगता है ये जो अभियान है पूरे जिले में अच्छे ढंग से स्टार्ट। राजधानी के शैलेंद्र नगर इलाके में बीती रात करीब आधा दर्जन युवकों ने एक बिल्डर और उसके परिवार वालों पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर दिया। शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करने से जैन समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और जानलेवा हमला करने की धारा लगाने मांग कर रहे थे। बताया जाता है कि बिल्डर की कार में युवक ने ठोकर मारी, जब उसे रोका गया तो उसने अपने साथियों को मौके पर बुलाया, फिर सभी ने मिलकर बिल्डर के साथ मारपीट कर कार में तोड़फोड़ कर दी। हमले में बिल्डर को चोट आई है। घटना के दौरान आसपास के लोग जमा हो गए और उनमें से 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि अन्य मौके से फरार हो गए। पुलिस ने देर रात मामले में FIR दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और ठोस कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। जिस तरह से शैलेंद्र नगर में घर में घुस करके कारोबारी के घर में हमला किया गया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 2 दिन से समाज बंधु लोग मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ धारा 307 के तहत कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारियां हो, ना तो गिरफ्तारियां हो रही ना उनके खिलाफ धारा 307 लग रही है। इसी मामले को लेकर के आक्रोशित समाज बंधुओं के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और वही बात पुनः दोहराई गई है। इन्होंने कहा है 2 दिन के अंदर जो है सारी स्थितियाँ नियंत्रित करने के साथ, गिरफ्तारी करने के साथ धाराएँ भी जो है जो आवश्यक है वो धाराएँ लगाई गई। जोनल स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में रखा लोगों का पार्सल बरसात के पानी से बचाने के लिए इंतजाम नहीं किया है, जिससे यह खराब हो सकता है। बारिश को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम नहीं किया गया है। पार्सल परिवहन के लिए रेलवे सबसे सस्ता साधन है, यही वजह है कि इस माध्यम से सबसे अधिक सामान बुक किया जाता है। बुकिंग के एवज में शुल्क लिया जाता है, इस लिहाज से सामान की सुरक्षा रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इस जिम्मेदारी का सही ढंग से वो निर्वहन नहीं कर रहा है। जोनल स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में ये नजारा आसानी से देखा जा सकता है। आवक जावक गोदाम में बरसात का पानी भरा है, इसके चलते फर्श में रखा पार्सल भीग गया। यही स्थिति बाहर प्लेटफॉर्म पर रखे सामानों की है। कार्यालय के सामने शेड तक नहीं लगाया है, हालांकि ठोस सामान है तो उस पर पानी का असर नहीं पड़ता, लेकिन प्याज, आलू, खान पान सामग्री है तो वो पूरी तरह भीग कर खराब हो जाता है। बरसात के पानी में भीगा सामान डिलीवर कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर सामान पॉलिथीन से ढककर रखा था, लेकिन अधिकांश खुले में था। विडंबना है कि मालिकों की आपत्ति के बाद भी रेलवे उनका पार्सल सुरक्षित नहीं रखता, बरसात से बचाने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया है। लोकसभा TV के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत सांकराइल सांतरागाछी लिंक लाइन को आंदुल स्टेशन से जोड़ने का कार्य ब्लॉक लेकर किया जा रहा है। यह कार्य 8 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से रवाना और गुजरने वाली 14 यात्री गाड़ियों को रद्द किया था। यह आदेश बदलते हुए रेलवे ने यात्री सुविधा के लिए सभी रद्द ट्रेनों को फिर से चलाने का निर्णय लिया है। अब ये गाड़ियाँ अपने समयानुसार चलेंगी। अलग अलग योजनाओं के लिए पौधरोपण किया जाता है, लेकिन मौके पर 20% पौधे नहीं बचते। विभागीय अधिकारी खाना पूर्ति के लिए पौधे लगा देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता। शहर में तेजी से कंक्रीट की सड़कें बन रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, अपार्टमेंट बन रहे हैं,
लेकिन ना तो पौधे लगाए जा रहे हैं और ना ही वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जा रहा है। हर साल निगम में मकान बनाने के लिए 1500 आवेदन आ रहे हैं, जिसमें करीब 1000 की स्वीकृति मिल रही है। जितने मकान बन रहे हैं उतनी संख्या में पौधे नहीं लग रहे हैं। निगम में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 5 विधायक, 1 महापौर और 1 सभापति समेत 70 पार्षद और 11 एल्डरमैन हैं। लेकिन शहर में ग्रीनरी को बढ़ाने कोई कवायद नहीं कर रहे हैं। निगम पर गौर करें तो शहर के कुल क्षेत्रफल का 10% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। बिलासपुर नगर निगम का कुल क्षेत्रफल 137 वर्ग किलोमीटर यानी 13000 हेक्टेयर है। इस लिहाज से ग्रीन बेल्ट एरिया 1300 हेक्टेयर यानी 3200 एकड़ होना चाहिए। इधर नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुमार का कहना है कि इस बार 35000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। ऐसे 10 बड़े जगहों को चिन्हांकित किया गया है जो आउटर वार्ड है हमारे, जैसे घुरु में 2 एकड़ है, कोनी में 2 एकड़ है, तिफरा में देखेंगे 2 एकड़ और वार्ड जोन 7 में मोपका तरफ 2 एकड़, और इनको फेंसिंग करने के लिए हमने टेंडर भी कर दिए हैं। जैसे ही टेंडर ओपन होगा आगे एक हफ्ते में, और साथ ही साथ वहाँ जल की भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही फेंसिंग हो जाने के साथ साथ हम उनको, हमारे पास एनजीओ वाले आए थे, तो एनजीओ वाले उन लोगों का कहना है कि सर आप हमको पेड़ और फेंसिंग करके देंगे तो हम गोद ले लेंगे। इस साल लगभग 35000 वृक्षारोपण करेंगे इन सभी जगहों पे। निगम में जब 15 गांव और 3 निकायों को शामिल किया गया तब दावा किया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजोन बनाए जाएंगे, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई कवायद नहीं की गई है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विश्वविद्यालय से मेरिट लिस्ट जारी नहीं, सीएमडी कॉलेज में प्रवेश के लिए वसूली शुरू, लोकस्वर के स्टिंग से हुआ खुलासा। अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से चलाई गई पहली भारत गौरव ट्रेन, सफर में सुविधाओं से गदगद हुए श्रद्धालु। लोगों की अमानत सुरक्षित नहीं, रेलवे के पार्सल गोदाम में भरा पानी, सुरक्षा का नहीं किया इंतजाम। और जिले के हजारों किसानों का केसीसी बनाने चलाया जाएगा अभियान, परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले जिले में लगभग 51000 किसानों का अब तक केसीसी नहीं बन पाया है। सभी किसानों का अगले 3 महीने के भीतर अभियान चलाकर केसीसी बनाया जाएगा। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स और अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने कहा है। बैठक में जिला पंचायत सीओ आरपी चौहान सहित आरबीआई, नाबार्ड सहित स्थानीय बैंक और लाइन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैंक विहीन गांव में बैंक खोलने के निर्णय का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस माह के अंत तक शाखाएं खोलने की प्रक्रिया पूर्ण कर सूचित करने कहा है। कलेक्टर ने बैठक में बैंकों के सहयोग से संचालित सरकारी योजनाओं में स्वीकृति और लोन वितरण की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं करने के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राहुल गांधी के साथ है का नारा लगाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए बयान और इस पर छिड़ी बहस के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे पूर्व विधायक ने कहा, तथाकथित लोग हिंसक हैं, जो हिंदू हिंसा नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों को राहुल गांधी ने आईना दिखाया है। आज हम उनके साथ हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को गलत नहीं कहा। वोटों की राजनीति करने वाले हिंदू बनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। संसद में ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहे थे। नेट एग्जाम की विश्वसनीयता भंग करने वालों पर उन्हें बोलने से रोका गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। हम ऐसे सच्चे नेता राहुल गांधी के साथ हैं। एनएसयूआई कांग्रेस नेता सत्ता पर काबिज, भाजपा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उनकी दलील यह है कि प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, जरा जरा सी बात पर जानलेवा हमला करने घटनाएं हो रही हैं। कानून का डर किसी को नहीं रहा क्योंकि पुलिस अधिकारी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त हैं। अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि रायपुर न कहकर चाकूपुर कहना सही होगा। ऐसे बयानों के साथ पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की।
रही है। बीते दिनों कलिंगा यूनिवर्सिटी के एक आदिवासी छात्र की हत्या के बाद पूरा मामला गरमाया है। NSUI ने राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक में प्रदर्शन कर छात्रों की सुरक्षा की मांग उठाई। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने भी पानी की बौछार कर छात्रों को तितर बितर करना चाहा। रायपुर शहर को तो चाकूपुर बना दिया गया है। कल रात शैलेंद्र नगर में एक सभ्य परिवार के यहाँ घुस करके बेसबॉल से हमला किया गया है। जैन परिवार के एक बिल्डर है, उनके यहाँ केवल खरोच आ गया उसकी गाड़ी में, कार में। उसने कहा कि कार में खरोच आ गया, अपने पिताजी को फोन लगा के बुलाओ कि तुम नशे में हो, कैसे गाड़ी चला रहे हो। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बुला करके सीधा उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया। परसों रात को एक बच्चा जो था, आदिवासी घर का बच्चा है, उसके ATM से पिन मांग रहे थे, नंबर मांग रहे थे। उससे पहले दिन की घटना देख लो आप, लगातार चैन स्नेचिंग चल रही है, कोई आदमी शहर में सुरक्षित नहीं है। यही कालीबाड़ी चौक में 21 वर्षीय आदिवासी छात्र जो रायपुर कलिंगा विश्वविद्यालय पढ़ाई करता है, लिफ्ट मांगता है, लिफ्ट मांगने पर असामाजिक तत्व द्वारा उसे पकड़ के पाटा को इस तरफ ले जाया जाता है। वहां उसे जाति करते हैं, उसको ATM पासवर्ड मांगते हैं, लूटपाट करते हैं और उनकी बात नहीं मानते, उनकी हत्या कर देती है। हम मांग करते हैं कि छात्रों के लिए विशेष सेल बनाया जाए, इसमें छात्र से जुड़ी जितने भी समस्या घटना का उसमें जांच कराई जाए और मृतक छात्र के घर वाले को उचित मुआवजा दिया जाए। जांजगीर जिले के ग्राम कोट में सोनार में चोरों ने सराफा व्यापारी के दुकान का ताला तोड़कर 5 से 6 लाख रुपए के जेवरात पार कर दिया। आदित्य ज्वेलर्स के मालिक संजय प्रताप सोनी ने पुलिस को बताया कि रात में दुकान बंद कर अपने दुकान के ऊपर बने निवास में थे। सुबह देखा तो शटर खुला और भीतर सामान बिखरा हुआ था। पता लगाने देखा तो CCTV कैमरे का तार टूटा हुआ था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अकलतरा पुलिस ने जांच शुरू कर संदेहियों से पूछताछ कर रही है। अज्ञात चोरों का सुराग लगाने आसपास के थानों से भी सूचना साझा कर सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद मातहत पुलिस अधिकारी और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। किसानों की मेहनत और कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन बदलते समय और जलवायु के साथ किसानों को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई से लेकर जैविक खेती तक वे लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। आजीविका को बेहतर बनाने के लिए वे खेती कार्य में आधुनिक संसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं। मानसून सीजन के आते ही वे खेतों में काम पर लग गए हैं। सभी अपने संसाधनों के हिसाब से खेती कर रहे हैं। कुछ किसान बैलों के माध्यम से खेतों की जुताई कर रहे हैं, तो वहीं कई ट्रैक्टर के माध्यम से। ज्यादातर किसान मानसून के पानी पर निर्भर रहते हैं। समय पर अगर पानी नहीं मिलता है तो किसानों की चिंता बढ़ जाती है। फिलहाल किसान पूरे लगन से खेती किसानी के काम में जुटे हैं। लोकसभा TV के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। जिले में रिमझिम फुहारों के साथ हल्की वर्षा हुई। भू अभिलेख शाखा के मुताबिक 15.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रात में भी अब ठंडी हवाएं चलने लगी है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा 30 जून से पहले स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिन पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक परीक्षाएं हुई हैं, उसकी एंट्री करने के दौरान त्रुटि सामने आ रही है। अंक सूची में त्रुटि सुधार के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। दरअसल बहुत से विद्यार्थियों की अंक सूची में अनुपस्थित दर्ज किया गया है, जबकि छात्र छात्राओं का कहना है कि वे प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रैक्टिकल जो पोटनी का था, मेरी बहन का है असल में, वो प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम दिलाई है, बट वो ना अब्सेंट दिखा रहा है, तो इसी को सुधरवाने के लिए आया हूँ। तो कॉलेज में से आपको सर्टिफिकेट मिला है? हाँ मिला है।
कॉपी भी रखा हूँ मैडम लोगों से, जो परीक्षा प्रभारी है प्रिंसिपल है उनसे अप्रूवल ले आ चुका हूँ मैं। सर बोले कि वेट करने के लिए, तो वेट कर रहा हूँ मैं। शासकीय मतलब डॉक्टर भंवर सिंह कोरते शासकीय महाविद्यालय पिंडरा से एम कॉम प्रीवियस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे एक सब्जेक्ट में एबसेंट चढ़ा हुआ है, जबकि मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था जिसकी अटेंडेंस शीट में मेरा उसमें साइन भी है, जिसकी कॉपी मेरे पास है जो कि कॉलेज के द्वारा मुझे प्रदान की गई है। दो सब्जेक्ट में एबसेंट चढ़ा दिया गया, जबकि मैंने प्रॉपरली 8 के 8 सब्जेक्ट को अटेंड किया है। किस क्लास में था? मैंने बीकॉम फाइनल ईयर। होता ये है कि बहुत सारे बच्चे का प्रैक्टिकल उस कॉलेज में देने से छूट गया, कोई बच्चा कि प्रैक्टिकल नहीं दे पाया हूँ कोई पारिवारिक कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से, अन्य कारणों से, तो वो बच्चा जब हमारे पास आवेदन करता है तो हम पता करते हैं कि कहाँ का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, फिर वो दूसरे कॉलेजों में प्रैक्टिकल दिलाने जाता है। तो होता है कि पहले वाला कॉलेज उसको एब्सेंट ऑनलाइन चढ़ा चुका होता है, क्योंकि एब्सेंट ऑनलाइन चढ़ गया था तो उस वजह से मार्कशीट में एब्सेंट आने की प्रायोरिटी रहती कि एब्सेंट आ जाता है, लेकिन बच्चा दूसरे जगह प्रैक्टिकल दिया है तो हमारे पास मार्क्स रहते हैं तो हम उसको फिर से अपडेट करा लेते हैं, इस तरीके से जो त्रुटि है वो सुधर जाती है। दूसरा, बच्चा फॉर्म भरते समय कभी कभी फॉर्म में गलती कर देता है, अफकोर्स कि बड़ी संख्या में बच्चे हैं और बच्चा कभी हड़बड़ाहट में कि कुछ चीज़ों को फील नहीं कर पाता तो उसकी वजह से विथड आ जाता है। चिंगराजपारा में साईं भक्तों ने धूमधाम से पालकी यात्रा निकाली। यहां 14 साल पहले 3 जुलाई को ही साईं मंदिर की स्थापना की गई थी, उसके बाद से हर वर्ष पालकी यात्रा निकाली जाती है। साईं मंदिर से चिंगराजपारा, लिंगडी, राजकिशोर नगर होते हुए पालकी का नगर भ्रमण कराया गया। महिलाएं सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई, बैंड बाजे की धुन पर सभी नाचते गाते साईं पालकी के साथ भ्रमण किया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।